आज हम अनबॉक्स करने वाले एक ऐसे विचित्र चीज की जो भाई टैक्स से लदी हुई है और इसको आप लेके गोवा ट्रिप से लेके दुबई ट्रिप सारी ट्रिप पे जा सकते हो, जो कि हमें भेजा है मोको बारा ने। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मोको बारा का प्रीमियम क्वालिटी का लगेज बैग है जिसमें काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। वैसे व्हाइट दिखने वाली चीज इनका एक डस्ट कवर है और बड़ा क्यूट सा टैगलाइन है, व्हाई स्टे हियर व्हेन वी कैन बी गोइंग प्लेसेस। जितने भी ट्रैवल लवर्स हैं उनके दिल को छू गई होगी और काफी हद तक मुझे भी। अब तो घूमने उमने जाना ही पड़ेगा। ओके ये वाला जो कलर इनका स्पेशल प्रीमियम कलर है और अभी अनबॉक्सिंग कम्प्लीट नहीं हुई है। बेसिकली सेट ऑफ टू है। इस डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा होगा, उसको देखते हैं भाई। और ये स्मॉल साइज वाला लगेज 41 लीटर। इसके साथ भी आपको डस्ट प्रूफ कवर मिलता है। अंदर से क्या मस्त लग रहा है। इसका भी डस्ट कवर हटा देते हैं। मेरे तो बड़ा क्यूट सा है यार। तो अभी बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। A few moments later. So, अपने अनबॉक्सिंग कम्प्लीट हो चुकी है। और अगर ब्रांड के बारे में बात करें, मोको बारा एक इंडियन ब्रांड है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे एयरपोर्ट लुक, उस लुक में आपके लगेज का लुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाला मोको बारा का लिमिटेड एडिशन है, ओशन सनराइज कहते हैं इसको। और डेफिनेटली बहुत ही कूल सा कलर है और अपना फेवरेट टेक्सचर डिजाइन है। इसको पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। और अटेंशन टू डिटेल देखो भाई, यहाँ पर पैडिंग तक दिया हुआ है। इसको मस्त ऐसे घुमा के रखो, आपका लगेज काफी सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे जो आप मोको बारा की ब्रांडिंग देख रहे हो, यहाँ पे आप अपने ब्रांडिंग कर सकते हो, अपना नाम इंग्रेव कर सकते हो। मेरा नाम तो शाकिब है भाई, आराम से हो जाएगा इंग्रेव अप टू 7 लेटर्स। लेकिन इंग्रेव करने का एक ड्रॉबैक है, इनका आपको 30 डेज ट्रायल मिलता है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप वापस कर सकते हो। अगर आपने इंग्रेव करवा लिया फिर नो वापस। और अगर आप ये वाली पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको वापस करना है फिर डायरेक्ट रख लेना है, पता चल जाएगा। सेकंड डिजाइन में यहाँ पे आपको येलो और ब्लू में बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। एकदम पीके का हेलमेट लग रहा है मुझको। लगेज बेल्ट पे आपको आराम से देखेगा दूर से। और आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, क्या मस्त घूमता है ये। इसको कहते हैं निंजा व्हील्स, जापान की कंपनी है हिनोमोटो। व्हील्स बनाने में गोल्ड रेटेड है और इनके व्हील्स दुनिया में बेस्ट लगेज कंपनीज यूज करती हैं, जो कि हमारे इंडियन कंपनी मोको बारा ने भी यूज किया है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसके व्हील्स का ना भाई क्वालिटी अलग लेवल पे है। व्हील्स की टेस्टिंग यहाँ पे कारपेट पे भी कर लेते हैं। और क्या स्मूथ चल रहा है भाई, सच में काफी तगड़ा व्हील है। और इसके हैंडल की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी हाइट है भाई 5'7". दोनों ही लगेज के हैंडल आपको सेम वेस्ट हाइट पे आ रहा है, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल है। यहाँ पे स्मॉल 41 लीटर्स में आपको यहाँ पे 3 लेवल है और हैंडल बहुत स्मूथ है, ऑटो लॉक हो जाता है। इन दोनों का वेट काफी ज्यादा कम है। स्मॉल वाले का वेट 3.27 kg था और एक्चुअल में ये 41 लीटर है। और ये जो 71 लीटर वाला है, इसका वेट 3.27 kg है। और इस वेट को अचीव करने के लिए इसका जो हार्ड शेल है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले टेक्सचर फिनिश, तो आपको यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आते। ये जो हार्ड शेल आपको एक्चुअल में जर्मन माइक्रोलन पॉलीकार्बोनेट है, सिंपल वर्ड्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम और अनब्रेकेबल है। आपको नहीं पता होगा जब आप चेक इन में लगेज देते हो अपना, तो उसका सफर क्या भयंकर रहता है। उसके लिए आपको बहुत नेक्स्ट लेवल गुफाओं से गुजरता है, काफी ज्यादा ड्रॉप टेस्ट होता है आपके लगेज का। उन सभी के लिए ये जर्मन माइक्रोलन बहुत तगड़ा है। और मुझे सबसे अच्छा इसका अटेंशन टू डिटेल, ये जो इसका हैंडल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एकदम रबराइज फील हुआ। और जब यूज में नहीं होता है तो डिजाइन में एक बहुत ही अच्छा एडिशन देता है, जो बैग का पूरा एस्थेटिक और मिनिमलिज्म है एक्चुअली में बहुत पसंद आया। और जिसका जिप है दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा स्मूथ लगा है मुझको। अगर आप नोटिस करोगे मैं बहुत तेजी से खोल रहा हूँ इसको, और ये सही काम कर रहा है। तो अब जिप की बात हो ही गई, एक बार इसके अंदर का कंपार्टमेंट देखते हैं। इसके अंदर का स्टोरेज, सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट कलर है भाई, येलो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप येलो स्टोरेज देख रहे हो तो यहाँ पे आप अपना पावर बैंक लगा के इसको रख दो। एक बार इसका चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इसका चार्जिंग स्लॉट और ऐसी वाली चार्जिंग ट्रैवल के टाइम पे बहुत काम आती है। ये पावर बैंक फैसिलिटी आपको केबिन लगेज में मिलेगी। चेक इन लगेज में पावर बैंक रख ही नहीं सकते, अदरवाइज आपका लगेज वापस कर देंगे। बैंगलोर पहुंच जाओगे, आपका लगेज दिल्ली में ही रहेगा, तो उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सही चीज भी है, अंदर की साइड आपको इनफ स्टोरेज है। यहाँ पे आपको एक दूसरा कंपार्टमेंट मिलता है और इसके अंदर आपको पाउच मिलेगा, जो कि आपका लॉन्ड्री पाउच है। कैसे आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसको कहते हैं मैजिक इरेजर। बेसिकली ट्रैवल करने के बाद आपका लगेज गंदा हो सकता है, और मैंने बताया था आपको एयरपोर्ट लुक जरूरी है, तो उसके लिए आप मस्त क्लीन व्लीन कर सकते हो। और आपको एक बार डेमो दे देते हैं, देखो मस्त काम करता है भाई। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है मेरे हिसाब से। तो एक बार इसका स्टोरेज टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितने दिन का हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस केबिन लगेज से। इसको लेके आप डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में जा सकते हो, कोई भी चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले अपना शूज रख लेते हैं यहाँ पे, 3 t-shirt 4 5 6। और इसमें भी बहुत स्टोरेज है भाई, मेरी मम्मी तो पूरी शादी के कपड़े डाल देंगे। और 3 और भाई, ये तो हो गया डन। मैं ये वाला जिप बिल्कुल आराम से बंद कर पा रहा हूँ।
अब इसके जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है ये है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसके अंदर मैं मैकबुक आराम से कैरी कर सकता हूँ, आराम से हो गया भाई। और साइड वाला अभी भी खाली है भाई, इसके ना डालते कुछ हेवी चीज। ये मेरे स्विट्जरलैंड की ट्रिप है भाई, तो थोड़ा सा पफी जैकेट डालते हैं, एकदम आराम से हो गया यहाँ पे। और इसके अगर हेल्प करनी बहुत अच्छे से रखने में, इसके बेल्ट को लॉक करो और इसको जोर से भाई कस देने का। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस है इसको आराम से बंद करने का। और इसको जिप को लॉक करने के लिए मुझे इस पर बैठना नहीं पड़ा, आराम से 10 दिन का कपड़ा इसमें आ जाएगा। मुझे मालूम, बोल रहा है जीन्स और पैंट्स का है, उसका जगह है इसके अंदर, और भी एक्स्ट्रा चीज का जगह है इसके अंदर। और लास्ट में इसको लॉक करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर TSA लॉक है। इसका डिफॉल्ट लॉक तो आपको पता होगा 000, अभी लॉक हो चुका है। राइट प्रेस करोगे ये अनलॉक हो जाता है। और बॉक्स में ट्यूटोरियल गाइड भी है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके रीसेट बटन को आप टैप करो, कुछ आवाज आई। इस आवाज के बाद आपको अपना फेवरेट पिन डालना, हम डालेंगे 007 जेम्स बॉन्ड। उसके बाद इसका लैच को आप राइट साइड कर दो और अगेन वही वाली आवाज आएगी, और अब इसका कोड 007 हो चुका है भाई। अभी लॉक कर लेते हैं और अब 000 ट्राई कर रहे हैं, देखो भाई अनलॉक नहीं हो रहा है। 007 पे अनलॉक, डेफिनेटली काफी अच्छी क्वालिटी का लॉक है और आपका सामान काफी सेफ है और भाई भारी भी है। और ट्रिप कंप्लीट होने के बाद इसका डस्ट कवर आप इसको पहना सकते हो। और अच्छी बात यहाँ पे ये कि जो छोटा वाला लगेज है अपने बड़े लगेज के अंदर आ जाता है, ट्रिप पे स्टोरेज मिलेगा और घर पे स्टोरेज बचेगा, और डस्ट कवर के साथ धूल की भी छुट्टी हो जाएगी। और यहाँ पे 71 लीटर वाले बड़े भैया आ चुके हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 71 लीटर के अंदर भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज मिलती है, जैसे कि आपको लॉन्ड्री बैग और ये मैजिक रेजर, सेम पार्टीशन जिससे आप धक्का मार के और स्टोरेज बढ़ा सकते हो, और आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर लैपटॉप या फिर वायर्स के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज। सो ऑन अ सीरियस नोट, प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं इसके वारंटी के बारे में। आप 30 दिन का ट्रायल ले सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आता वापस कर सकते हो। लेकिन सबसे तगड़ी बात, इसके साथ आपको मिलेगा 6 साल का वारंटी, मतलब 6 साल। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा हो गई दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में ये सच बात है। तो ये शो करता है कि एक्चुअली प्रोडक्ट कितना ज्यादा क्वालिटी वाला है और ब्रांड को कितना भरोसा है इसके ऊपर। और सिंस मोकोबारा एक प्रीमियम ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विसेज में कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं, जहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा हेल्प सेक्शन डाल रखा है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। अमेजोन और mokobara.com पे आप खरीद सकते हो इसको, और अगर आपको इंग्रेविंग वाला फीचर चाहिए तो वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। यूजुअली इसका प्राइसिंग आपको 15,000-17,000 रुपए के बीच में चलता है, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स। इस प्राइस पे आपको 2 लगेज मिल रहे हैं, स्मॉल एंड लार्ज साइज में। और अगर आप कभी लेट भी हो रहे तो भी आप केबिन लगेज को यूज करोगे तो चेक इन में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपका सोलो ट्रिप, फैमिली ट्रिप, ऑफिस ट्रिप सब सॉर्टेड है यहाँ पे। और मेरे फ्यूचर व्लॉग्स में आप देखने वाले लगेज देखो, बिल्ड क्वालिटी और जो टेक यूज किया गया इसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक और एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है इसको। मैं भी नॉर्मली सफारी का यूज करता हूँ और उससे मैं अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली डबल प्राइसिंग है, लेकिन फीचर्स और क्वालिटी मच बेटर है। और सबसे अच्छी बात, वारंटी मिलती है आपको, ये वारंटी भी नहीं मिलती। एक बहुत बेसिक सी बात, जब महंगा प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आप स्टैंड आउट करते हो क्राउड में, और जितनी भी प्रीमियम ब्रांड्स होती हैं उनका टारगेट ये होता है कि आपको क्राउड से अलग दिखाया जाए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइसिंग पे करना पड़ता है, एग्जांपल के लिए आईफोन्स। और डेफिनेटली लगेज वर्ल्ड का ये आईफोन तो है। तो अगर कंक्लूजन के साथ खत्म करें इस वाले वीडियो को, तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है और आराम से 10 साल चल जाएगा आपको, और मुझे सच में काफी पसंद आया। तो अगर आपको लेना तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें आप क्लिक करके खरीदोगे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद। और यहां तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।